हाँ तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इतिहास को जानने के स्रोत में प्राचीन प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और उनके सभी स्रोतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य एवं विदेशी यात्रियों के विवरण को देखा था। और आज के वीडियो में हम देखेंगे अब प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जैसे सभी टॉपिक और इसके बाद आने वाले सभी इनके अंतर्गत आने वाले कालक्रम को, इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मानव की उत्पत्ति एवं विकास को। मानव उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो यहां देखते हैं कि अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि मानव की उत्पत्ति लगभग 1 लाख या 50,000 वर्ष पूर्व हुई थी। तो मानव की उत्पत्ति विकास देखेंगे हम, परिकल्पना थ्योरी देख रहे हैं, उसमें अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि मानव की उत्पत्ति लगभग 1,50,000 वर्ष पूर्व हुई थी और लगभग 50,000 वर्ष पूर्व प्राइमेट्स या ऐसे वानर का जन्म या ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो लगभग मानव के समान दिखते थे। आज से लगभग या इस उत्पत्ति से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो लगभग मानव के समान दिखते थे, धीरे धीरे ये प्राणी अपन देखते हैं आदिमानव को, वो पहले चारों हाथ पांव से चलते थे, फिर धीरे धीरे ये प्राणी अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलने लगे, ठीक है, यही हुआ है। पहले के प्राणी चारों हाथ पांव से चलते थे जैसे कि आजकल के पशु वगैरह चलते हैं, धीरे धीरे ये प्राणी अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। और मुख्य बात है कि यह जमीन पर ही रहने लगे, ठीक है। तो ये एक मेन बात है हमारी जो हम इसमें देखेंगे कि अधिकांश विद्वानों का यह मत है, ठीक है, कि मानव की उत्पत्ति लगभग 1,50,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है, या ऐसा मानते हैं अधिकांश विद्वान, ठीक है, 50,000 वर्ष पूर्व प्राइमेट से ऐसे मानव या ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो मानव के लगभग मानव के समान दिखते थे, धीरे धीरे प्राणी अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलने लगे और जमीन पर ही रहने लगे। तो यहां से हम मानव की उत्पत्ति की शुरुआत को कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे पुरापाषाण काल को। सामान्य तौर पर हम इस चीज को
पिछले वीडियो में 2 से 3 बार देख चुके हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे पूरा पाषाण काल को, जिसमें प्राणी मानव या मानव मुख्य आखेटक या शिकारी और खाद्य संग्राहक ठीक है। तो इस समय में मानव मुख्य अखेटक मुख्य शिकारी और खाद्य संग्राहक रहा है ठीक है। पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम आरंभिक या उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको हम देखते हैं लगभग इसमें हम देखते हैं कि 5 लाख से 50 हजार ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है ठीक है ना, माना जाता है क्योंकि मैंने ऊपर 1 लाख से 50 हजार लिखा था या 50 हजार से शुरू करी है कई बात को, इसलिए मैंने यहां लिखा है का समय इसको लिखेंगे हम लगभग है ना, एक्चुअल डेटा नहीं है हमारे पास इस चीज के लिए। तो हम देखते हैं इस काल में मानो क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग ज्यादा करते थे ठीक है। इस काल का मानव क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करते एवं इस काल का मानव इस काल का उपयोग करता जो मानव था उसे हम हाइमो इरेक्ट्स कर सकते हैं, हाइमो इरेक्ट्स ठीक है, हाइमो इरेक्ट्स ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर, भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर पाए गए तथ्यों से हमें यह पता चलता है कि मध्य एशिया में मानवों की उत्पत्ति या भारतवर्ष में मानवों की उत्पत्ति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व हुई थी है ना, ठीक है। तो यहां तक का डेटा हम देखते हैं जिसमें हमको देखने को मिलता है। पूरा पाषाण काल को हम देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें हम पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मानव को मुख्य आखेटक या खाद्य संग्राहक रहा है देखेंगे। आरंभिक या उच्च पूरा पाषाण काल को हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो हमारा पहला टॉपिक है आरंभिक पूरा पाषाण काल। इस आरंभिक पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम देखेंगे कि लगभग मानव की उत्पत्ति हम यहाँ 5 लाख से 50 हजार ईस्वी पूर्व के मध्य, मतलब इस आरंभिक पूरा पाषाण काल को हम देखते हैं इसका समय रहा है 5 लाख से 50 हजार ईस्वी पूर्व के मध्य ठीक है। और इस काल का मानव क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करता था और इस काल का उपयोग करता मानव को हम
हाइमो इरेक्ट्स भी कहते हैं, हाइमो इरेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर भारत में, भारत की बात करें तो भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर पाए गए जो तथ्य हैं उनसे हमें पता चलता है कि मध्य एशिया या भारतवर्ष में मानव की उत्पत्ति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब बिंदु है। इसको हम देख सकते हैं कि भारत के महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर पाए गए तथ्यों से हमें पता चलता है कि मध्य एशिया या भारतवर्ष में मानव की उत्पत्ति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व पाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो तीन संस्कृतियों को देखेंगे हम, जैसे चापर चापिंग या पेबल संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति, जैसे दो तीन संस्कृतियों को देखेंगे हम आरंभिक पुरापाषाण काल में। ब्लैक मार्कर सबसे पहले देख सकते हैं हम चापर चापिंग संस्कृति। ठीक है, संस्कृति पूरा लिख लेता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। चापर चापिंग संस्कृति को हम सबसे पहले देखेंगे, या इसे हम सोहन संस्कृति भी कह सकते हैं। उसका मुख्य कारण है कि पाकिस्तान स्थित सोहन नदी की घाटी से, बेलन नदी की घाटी, सोहन नदी की घाटी, इन घाटियों से इन संस्कृति की शुरुआत होती है, इसलिए हम चापर चापिंग संस्कृति या सोहन संस्कृति भी कह सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं सोहन संस्कृति की शुरुआत सर्वप्रथम, इसके साक्ष्य सर्वप्रथम पाकिस्तान स्थित पंजाब की सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ सबसे पहले हम सोहन नदी की घाटी में मिले, इसीलिए हम इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। उसके बाद दूसरी संस्कृति हम देखते हैं, यह हो गई चापर चापिंग या सोहन नदी। बस इतनी सी बात हमको मुख्य रूप से देखना है कि चापर चापिंग या सोहन संस्कृति में क्या देखते हैं हम, कि पाकिस्तान स्थित पंजाब की सोहन नदी की घाटी में सर्वप्रथम इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसके साक्ष्य। उसके बाद देखेंगे हम हैंडेक्स संस्कृति, यहां उसी हाथ की कुल्हाड़ी की बात करेंगे जिसके नाम से हम एक संस्कृति को पढ़ते हैं भारत में। ठीक है, तो इसके साक्ष्य महाराष्ट्र के, इसके साक्ष्य को हम देखते हैं करीब महाराष्ट्र नहीं, यहां हम मद्रास के, मद्रास, मद्रास मतलब तमिलनाडु। ठीक है, मद्रास के चेन्नई, ठीक है, इसके साक्ष्य हम देखते हैं सबसे पहले मद्रास के चेन्नई, मदुरई एवं अतिरपक्कम से मिलते हैं, अतिरपक्कम से मिलेंगे। कहीं कहीं तो इस संस्कृति का नाम अतिरपक्कम के नाम से भी देखने को मिलेगा और इसे हम मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। इसे हम मद्रास की संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, हम देखते हैं संस्कृति में कृषि
आवास, बर्तन, पशुपालन, ये सभी एक सामान्य चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। कपड़ा और मुख्य औजार जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। कुछ कुछ हमें चीजें मिलेंगी लेकिन मुख्य चीजें नहीं मिलेगी। इस समय में हम औजार बनाते थे तो पत्थरों के औजार, ठीक है, एक कुल्हाड़ी वगैरह कुछ कुछ मिले हैं हमें, लेकिन मुख्य रूप से पत्थरों के औजार इस समय का मानव आखेटक मतलब शिकारी के बाद में शुरुआत दौर में भी कह चुका हूं, एवं खाद्य संग्राहक रहा है। खाद्य संग्राहक का मतलब उनके पास भंडारण तो लगभग नहीं रहा है, लेकिन हाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहाँ संग्रहित उन्होंने जरूर किया होगा। सर्वप्रथम इस काल में हम देखते हैं आग का प्रयोग। इसी काल में हम देखते हैं आग का प्रयोग किया गया और वो कहां से मिलता है हमें, चाउजू कोजियन की गुफा से। चाइना से जुड़ी हुई ही गुफा होगी क्योंकि नाम से पता चलता है कि गुफा चाइनीज होगी। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम अठारह सौ 1863 में मद्रास के पल्लवरम से एक कुल्हाड़ी प्राप्त की। ये चीज भी हम देखते हैं। कुल्हाड़ी का विवरण वर्णन अभी हमने यहाँ अतिरिपक्कम में भी कर लिया है। ये भी तमिलनाडु के चेन्नई के मदुरई से और अतिरिपक्कम से साक्ष्य मिलते हैं। इसमें मद्रास की संस्कृति देखते हैं हम। यहाँ पर हमें कुल्हाड़ी मिलती है, उसके बाद हम देखते हैं वापस से कि यहाँ हम मद्रास के पल्लवरम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्थान लगभग या तो इनका एक ही नाम होगा या पास पास होंगे, इस बात पर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कुछ अवशेष पाकिस्तान की पंजाब स्थित सोहन नदी में हम देख लिए। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर है ना, पहले भी मैंने बेलन नदी घाटी का नाम लिया था, अब भी ले रहा हूं कि कुछ अवशेष हमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन नदी घाटी में भी मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आरंभिक के निम्न पुरापाषाण काल के कुछ अवशेष हमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन नदी घाटी में भी मिलते हैं। उसके बाद अब बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं। ब्लैक मार्कर तो लेता हूं। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा तो लगभग सभी ने सुना है। भीमबेटका की गुफा में मिले जो औजार हैं
लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हैं। और इस बात का पता हमें कैसे लगता है? तो सबसे उपयुक्त विधि हम कार्बन डेटिंग को देखते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीम बेटिका में इसकी गुफा है, वहां जो औजार मिलते हैं वो लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश की एक मुख्य बिंदु एक मुख्य बात और रह गई है, वो मैं आपको बता दूं। पहले इनको देख लेते हैं हम। तो यहाँ हम चापर चापिन संस्कृति की बात करेंगे या सोन नदी संस्कृति की, सोन या बेलन घाटी संस्कृति को देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत है, पाकिस्तान स्थित पंजाब की सोहन नदी की घाटी में इसके अवशेष मिलते हैं, इसी कारण इसका नाम सोहन संस्कृति भी पड़ता है। इसके साक्ष्य हमको सबसे पहले सोहन नदी की घाटी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हैंडेक संस्कृति देखते हैं हम, इसे मद्रास संस्कृति भी कह सकते हैं। इसके साक्ष्य में मद्रास जो आज के तमिलनाडु में है, और इसके तमिलनाडु के चेन्नई मदुरई एवं अतिरपक्कम लगभग आज के हम इन्हें 3 डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, जिले कह सकते हैं, यहाँ से मिलते हैं, इसे हम मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस समय की सर्वप्रथम अच्छी विशेषता क्या रही कि इस समय स्थायी कृषि, आवास, बर्तन, पशुपालन, कपड़ा या मुख्य औजार बनाना जैसी कोई सुविधा देखने को हमें नहीं मिलती है, ऐसी कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। और इस समय का मानव क्या रहता है, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक रहता है, मतलब कुछ शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करने जितना खाद्य का संग्रहण करते थे। ठीक है, उसके बाद इस काल का हम देखते हैं सर्वोत्तम आग का प्रयोग इस काल में किया गया और हमें कहां से मिलता है साक्ष्य, चाउजू कोजियन की गुफा जो लगभग आज के शायद चाइना में है, इसको देखते हैं हम, वहां से मिलता है। और ये बात जो हम कर रहे हैं आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल की कर रहे हैं, यहां लिखते हैं पुरापाषाण आरंभिक। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं। और सर्वप्रथम इस संस्कृति को हम किसने देखा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1867 में मद्रास के पल्लवरम से एक कुल्हाड़ी प्राप्त की। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन नदी घाटी में भी इस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो सोहन नदी, बेलन नदी घाटी यही रीति है मुख्य 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 तो 2-3-4 जगह। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल के पास हम देखते हैं भीम बेटिका की गुफा में जो साक्ष्य मिले हैं, जो औजार मिले हैं लगभग 1 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है, इसके बाद इस आरंभिक पुरापाषाण काल में कुछ मुख्य बिंदु एक और छूट गया है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उसको भी देख लेते हैं। वो मध्य प्रदेश के